हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, जेंट्स के लिए मैं ब्लैक कलर की स्वेटर बनाने जा रही हूँ। तो इस पे जो डिज़ाइन मैंने डाला है ये मैं आपको बनाना बताऊँगी। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन हम बनाएंगे ये 6-6 के मल्टीपल से बनाएंगे ऐसे, और दो फंदे हमें एक्स्ट्रा ऐसे लेने पड़ेंगे। तो 6 में ए डिज़ाइन आएगा, फिर दो फंदे हम देखिए तो 8-8 के मल्टीपल से हो गया 6 के डिज़ाइन, और दो फंदे उल्टे उल्टे 6-7-8, फिर 6-2 उल्टे 6-2 उल्टे 6-2 उल्टे। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़े से फंदों में आपको बनाना बताऊँगी। इस पे डिज़ाइन देखने रहा है तभी मैं ये वाला कलर ले रही हूँ। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद पहला फंदा आप ऐसे स्लिप कर लीजिए, आगे दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे, 2-3-4-5-6। ये मैं 28 फंदों पे आपको बना के बता रही हूँ। फिर दो फंदे उल्टे, 3 डिज़ाइन आ जाएंगे इस पे, 2-3-4-5-6 फंदे उल्टे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। देखिए 1-2-3-4-5-6, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, 1 सीधा। अब देखिए उल्टी सिलाई पे हमने पहला फंदा स्लिप करा, ये 2 उल्टे थे तो यहाँ से 2 सीधे बनेंगे, तभी ये सेंटर वाला गैप आएगा हमारा। फिर धागा आगे, 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे उल्टी सिलाई पे ऐसे। तो 6 फंदे उल्टे बन गए, अब ये 2 यहाँ पे सीधे बनाएंगे ऐसे। तो पूरी सिलाई में हम ऐसे बना देंगे, 6 उल्टे 2 सीधे 6 उल्टे 2 सीधे ऐसे, 2 सीधे, धागा आगे, 6 उल्टे, 2 सीधे, लास्ट का एज स्टिच सीधा। अब देखिए फिर से हम सीधी सिलाई पे आ गए, तो 2 फंदे हम ऐसे उल्टे, 1-2-3-4-5-6, 6 फंदे हम सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे, 6-6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। ये हमारी 3री सिलाई है, और 6ठी सिलाई पे ये डिज़ाइन डलेगा, सिर्फ 1 ही सिलाई पे, बाकी हमने सीधा उल्टा इसको बनाते जाना है। अब 4थी सिलाई भी देखिए, पहला फंदा स्लिप करा, धागा पीछे करा, ये 2 फंदे हम सीधे बना देंगे, ये हमेशा सीधे बनेंगे। देखिए ये उल्टे 6, छः उल्टे, ये 2 सीधे, ये हमेशा सीधी सिलाई पे उल्टे और उल्टी पे सीधे। अब इसके बाद देखिए 5वीं सिलाई, तो 4 सिलाइयाँ हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। 6 फंदे उल्टे, 2 सीधे, अब एज स्टिच सीधा। अब आगे हम इसकी 5वीं सिलाई पे, तो 5वीं सिलाई देखिए कैसे बनाएंगे, 2 फंदे तो उल्टे ही बनेंगे, अब धागा पीछे। अब इन 6 फंदों पे हमने 2 बार धागा लपेटना है ऐसे, देखिए एक बार ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 2-2 बार धागा लपेटते हुए जाएंगे 6 फंदों पे, और धागा आगे, 2 फंदे गैप के उल्टे, 6 फंदों पे हम ऐसे बनाएंगे।
तो पूरी सिलाई देखिए ऐसे कंप्लीट हो जाती है। दो फंदे हमारे उल्टे और लास्ट का है सीधा। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बन गया। अब हम आगे इसकी उल्टी सिलाई पे धागा पीछे करेंगे, इन दो को हम सीधा बनाएंगे ऐसे। अब धागा आगे इन छह फंदों को खोलेंगे जी। ये छह फंदे हमने खोल दिए। अब देखिए अब इस सिलाई पे हम इनको ऐसे ले लेंगे और पहले ये वाले तीन बनाएंगे। तो देखिए एक बनाया और इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे इस साइड को, फिर दूसरा बनाएंगे और ये देखिए दूसरा फंदा भी हम ऐसे निकाल देंगे। अब तीसरा बनाएंगे और तीसरा फंदा भी हम ऐसे निकाल देंगे। अब ये जो तीन इस साइड को आगे देखिए क्रॉस करके, अब इन तीन को भी हम ऐसे बना देंगे। फिर धागा पीछे, दो फंदे फिर ऐसे सीधे। अब इन छह फंदों को खोलेंगे, छह को खोल दिया। अब इस सिलाई पे ले लेंगे छह को, पहले ए वाले तीन हम बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा ऐसे बनाया और इनको ध्यान से आपने ऐसे निकालना है, देखिए ऐसे। फिर दूसरा बनाया, इसको फिर निकाल दिया। फिर तीसरा बनाया, इसको फिर ऐसे निकाल दिया। तो तीन ये क्रॉस हो गए। अब ये तीन हम बना देंगे ऐसे। अब दो फंदे हम इसके सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, दो तीन चार पाँच छः, छः खोल दिए, इस सिलाई पे ले आए। अब इन तीन को हम पहले बनाएंगे, देखिए सिर्फ एक ही सिलाई पे हमने बनाएंगे। ये देखिए क्रॉस करा, एक फिर बनाया, इसको फिर क्रॉस करा, फिर अगला बनाया, इसको फिर क्रॉस करा। अब इनको बनाएंगे, फिर दो फंदे हमारे सीधे, ये देखिए। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन पहला छह सिलाइयों का कंप्लीट होता है ऐसे। अब देखिए अब फिर से हमने दोबारा से डिज़ाइन बनाना है। तो पहला फंदा स्लिप करा, दो हमने उल्टे बनाए, अब छह फंदे हम सीधे बनाएंगे, चार पाँच छः, फिर धागा आगे, ये दो फंदे हम उल्टे, फिर धागा पीछे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये दो फंदे उल्टे और लास्ट का एज स्टिच सीधा। तो देखिए इस तरीके से आप बनाते जाएंगे। तो पहली सिलाई बना ली, दूसरी तीसरी चौथी, चार सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर पांचवी भी फिर दिखाती हूँ। अब देखिए चार सिलाइयाँ हमने बना ली, तो पांचवी सिलाई पे आ गए। तो वैसे ही हम धागा लपेटेंगे पांचवी सिलाई पे और छठी पे हम दो बार धागा लपेटा, इन छह फंदों पे हम दो बार धागा लपेटेंगे ऐसे। फिर धागा आगे, दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, फिर छह फंदों पे हम धागा लपेटेंगे ऐसे। बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंड, बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीधा उल्टा बनाना है और पांचवी सिलाई पे ऐसे धागे लपेटेंगे और छठी पे इनको खुल के ट्विस्ट कर देंगे, बस इतना सा ही काम है। और बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है ये, देखिए। अब दो फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे करा, ये सीधा। अब छठी सिलाई पे हमें खोल देंगे फंदे। तो दो फंदे हमारे आगे उल्टे,
एक दो तीन चार पाँच छः फंदे खोल दिए और इस सिलाई पे ले आए। अब पहले हम इन तीन फंदों को बनाएंगे और ऊपर से निकालते जाएंगे ऐसे। एक बनाया, दो बनाए और देखिए तीन बनाए। अब इन तीन को बनाएंगे तो ऐसे आप छः छः सिलाइयाँ बनाते जाइएगा तो आपका ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो फिर इन छः फंदों को इस सिलाई पे ले लिया और ये देखिए दो फंदे सीधे। फिर धागा आगे इन छः को फिर खोलेंगे और इस सिलाई पे ले लेंगे। पहले ए वाले तीन बनाएंगे, ये हम उल्टी सिलाई पे करेंगे। फिर सीधी पे हम धागा लपेटेंगे और उल्टी पे ऐसे बनाएंगे। अब एक दो तीन, ये दो हमने सीधे बनाए और ये उल्टा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुंदर हमारा ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।